अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अतो खान और आप देख रहे हैं व्लॉगर्स किंग। ये मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूं दरिया के पुल के ऊपर। बहुत तेज़ हवा चल रही है और तेज़ पानी भी चल रहा है, तो आगे चल के दिखाते हैं आपको नीचे वाला सीन सारा। जी तो नाजरीन, इस टाइम मैं जो पुल के ऊपर वाली साइड पे ठहरा हुआ हूँ और जो इसके पुल के जो गेट हैं वो तकरीबन बंद किए हुए हैं, और आगे जो हमने चल के आपको दिखाना है वो पानी बहुत तेज़ी से बह। तो आज मैं दरिया सिंध की पुल के ऊपर ठहरा हूँ। सबसे पहले मैं और आप अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब पर पानी रहमत फरमाए, ना कि जहमत। हम सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करें, ना किसी पर इल्ज़ाम ठहराएँ कि ये हो गया वो हो गया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया इसकी वजह से सैलाब वगैरह आ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है, पानी रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। पानी ख़त्म होता है तो फिर दोबारा बारिशें शुरू हो जाती हैं। कभी आपने और मैंने उस गरीब को याद नहीं किया, इस बेचारे के घर की छत ही नहीं होती। छत क्या होनी है, उसका पूरा घर ही कच्चा होता है। जो एक दिहाड़ीदार 500 एक दिन का लेता है, वो बेचारा क्या करे। चलो हम जैसे सफ़ेद पोश तो गुजारा कर लेते हैं, हमारे तो घर भी अल्हम्दुलिल्लाह पक्के हैं। तो बात मेरे कहने का मकसद यह है कि हमें अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। आपके और मेरे सामने सैलाब हमने देखा है, तौसा शरीफ में, फाजिलपुर में, डीजी खान में, राजनपुर में, और बहुत से इलाके और बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। तो हम ये तो देखते हैं कि फ़लाँ क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो यूँ है, हम ये हैं, सौ बातें। लेकिन हमारे ऊपर, लेकिन एक अपने आप पर हम जो है सवाल निशान है हमारे ऊपर। मेरा मतलब ये है कि हम सच्चे दिल से अल्लाह पाक से तौबा करें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की जान माल रिज़्क़ की हिफाजत फरमाए। आमीन।